तो चलिए शुरू करते हैं मैकOS का ट्यूटोरियल। ये स्क्रीन मैकOS का डिफॉल्ट स्क्रीन है, जिसे डेस्कटॉप कहते हैं, और यहाँ टॉप पे हमें मिल जाता है एक हॉरिजॉन्टल बार, जिसे मेन्यू बार कहते हैं। डेस्कटॉप के बॉटम पे हमें मिल जाता है डॉक, जिस पर एप्स के शॉर्टकट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं मेन्यू बार के फीचर्स। सबसे पहले है एप्पल लोगो, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है अबाउट दिस मैक। अबाउट दिस मैक से हमें सिस्टम का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और मैकOS वर्जन मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। अबाउट दिस मैक के नीचे हमें मिल जाता है सिस्टम प्रेफरेंसेस। सिस्टम प्रेफरेंसेस बेसिकली एक कंट्रोल पैनल है, जहाँ से हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आगे सिस्टम प्रेफरेंसेस को डिटेल में चेक करेंगे। इसके बाद हमें मिल जाता है ऐप स्टोर, जिसे क्लिक करने पर ऐप स्टोर ओपन हो जाता है। इसके नीचे है रिसेंट आइटम्स, जो रिसेंटली ओपन्ड आइटम्स शो करता है। इसके बाद है फोर्स क्विट। फोर्स क्विट से हम चेक कर सकते हैं कौन कौन से एप्लीकेशंस ओपन हैं, और अगर कोई एप्लीकेशन हैंग हो जाता है तो हम उसे यहाँ से फोर्सफुली क्विट कर सकते हैं। और फोर्स क्विट के नीचे हमें मिल जाता है स्लीप, रिस्टार्ट, शट डाउन, लॉक स्क्रीन और लॉग आउट के ऑप्शंस। एप्पल लोगो के साइड में हमें मिल जाता है फाइंडर। फाइंडर मैकOS का डिफॉल्ट फाइल मैनेजर है, जिसके थ्रू हम मैकOS को ब्राउज कर सकते हैं। फाइंडर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। फाइंडर के बाद इम्पॉर्टेंट है गो। गो से हम डायरेक्टली किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं। जैसे कि हम डाउनलोड्स पर आ गए, सिमिलरली हम गो पर क्लिक करके एप्लीकेशंस में जा सकते हैं, जहां पर सारे इंस्टॉल्ड एप्स हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं मेन्यू बार के राइट हैंड साइड के आइकॉन्स के बारे में। यहाँ पर हमें मिल जाते हैं वाईफाई आइकॉन, जहाँ से आप वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है बैटरी का आइकॉन, जिस पर क्लिक करके आप बैटरी परसेंटेज को शो या हाइड कर सकते हो। बैटरी आइकॉन के बाद है डेट और टाइम, जिसे हम डिजिटल या एनालॉग रख सकते हैं। इसके बाद हमें मिल जाता है लॉग्ड इन यूजर का नाम, जिसके साइड में है स्पॉटलाइट सर्च, जो मैकOS का लाइटनिंग फास्ट सर्च इंजन है, जहाँ से कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं विद इन दिस मैकOS। और आखिर में हमें मिल जाते हैं नोटिफिकेशन बार, जहाँ से आप नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हो। तो ये था डिफॉल्ट मेन्यू बार के डिटेल्स, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ आइकॉन्स मिसिंग हैं, जैसे कि वॉल्यूम और ब्लूटूथ आइकॉन्स। तो इन आइकॉन्स को मेन्यू बार में लाने के लिए हम जाएंगे सिस्टम प्रेफरेंसेस पर और क्लिक करेंगे साउंड को, और यहाँ पर बॉटम पर हम टिक करेंगे शो वॉल्यूम इन मेन्यू बार, जिससे हमें मेन्यू बार पर वॉल्यूम का आइकन मिल जाएगा। सिमिलरली हम ब्लूटूथ में जाकर शो ब्लूटूथ इन मेन्यू बार को टिक करेंगे, जिससे मेन्यू बार पर ब्लूटूथ का आइकॉन आ जाएगा। और इन आइकॉन्स को रीअरेंज या रिमूव करने के लिए आपको कीबोर्ड पर कमांड बटन प्रेस करके रखना है, और पॉइंटर से आप इन्हें लेफ्ट या राइट ड्रैग करके रीअरेंज कर सकते हो, या नीचे की तरफ ड्रैग करके रिमूव भी कर सकते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अभी हम चेक कर लेते हैं डॉक। डॉक पर हमें मिल जाता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के शॉर्टकट्स, और आखिर में है थ्रैश बिन। ये सारे शॉर्टकट्स की एक्चुअल लोकेशन है एप्लीकेशन फोल्डर। यहाँ पर आप देख सकते हो सफारी ऐप इंस्टॉल्ड है, और अगर आप डॉक पर से इसे रिमूव कर दोगे तो ये एप्लीकेशन फोल्डर से डिलीट नहीं होगा, बिकॉज डॉक पर सिर्फ शॉर्टकट्स होते हैं, और हम सफारी को डॉक पर ड्रैग करके फिर से ला सकते हैं। डॉक की सेटिंग्स के लिए हम जाएंगे सिस्टम प्रेफरेंसेस पर और सेलेक्ट करेंगे डॉक। यहाँ पर हम डॉक का साइज सेट कर सकते हैं, जिसे आप रियल टाइम में देख सकते हो, और मैग्नीफिकेशन ऑन करने से हमारे डॉक के आइकन्स मैग्नीफाई हो जाएंगे जब हम इन पर पॉइंटर स्क्रॉल करेंगे, और मैग्नीफिकेशन साइज आप मैन्युअली सेट कर सकते हो। और यहाँ से हम डॉक की पोजीशनिंग को लेफ्ट में या बॉटम में या फिर राइट में सेट कर सकते हैं, और इस ऑप्शन को टिक करने से हम डॉक को ऑटो हाइड भी कर सकते हैं। और जो शॉर्टकट्स आपको डॉक पर नहीं चाहिए, उसे आप सेकेंडरी क्लिक करके रिमूव फ्रॉम डॉक कर सकते हो, या आप डायरेक्टली उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर हम कुछ शॉर्टकट्स रिमूव कर देते हैं। अभी हम चेक करेंगे इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रेफरेंसेस सेटिंग्स। सबसे पहले है जनरल। अपीयरेंस में हम लाइट एंड डार्क थीम सेट कर सकते हैं, और इस ऑप्शन से हम मेन्यू बार को ऑटो हाइड भी कर सकते हैं।
इसके बाद है डेस्कटॉप एंड स्क्रीन सेवर सेटिंग्स, जहाँ से आप डेस्कटॉप वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हो। इसके बाद है डॉक सेटिंग्स, जिसे हमने ऑलरेडी डिटेल्स में चेक कर लिया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट सेटिंग में हमें मिल जाता है इंटरनेट अकाउंट्स। यहाँ पर आप iCloud, Google, Yahoo और बाकी अकाउंट्स ऐड कर सकते हो, जिससे ये सारे अकाउंट्स macOS के मेल ऐप से सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। यूजर्स एंड ग्रुप्स, यहाँ से हम यूजर अकाउंट्स ऐड या डिलीट कर सकते हैं और रिलेटेड सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। और ब्लूटूथ सेटिंग से हम ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हैं और ब्लूटूथ डिवाइसेस पेयर कर सकते हैं। साउंड सेटिंग्स में आप आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस को देख सकते हो और इनसे रिलेटेड सेटिंग्स भी मॉडिफाई कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ट्रैकपैड सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। ट्रैकपैड में बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी क्लिक टू फिंगर्स होता है, बट इसे हम चेंज करके बॉटम राइट क्लिक सेट कर लेते हैं, जस्ट लाइक विंडोज लैपटॉप। और आप राइट में प्रीव्यू वीडियो भी देख सकते हो, और इसके नीचे हम टैप टू क्लिक को भी एनेबल कर लेंगे। यहाँ पर ट्रैकपैड की ट्रैकिंग स्पीड को भी सेट कर सकते हैं। स्क्रोल एंड जूम टैप से हम स्क्रोल डायरेक्शन सेट कर सकते हैं और जूम इन जूम आउट का जेस्चर्स चेक कर सकते हैं विथ वीडियो प्रीव्यू ऑन राइट। सिमिलरली आप स्मार्ट जूम और रोटरी जेस्चर्स भी देख सकते हो। मोर जेस्चर्स में आप स्वाइप बिटवीन पेजेस, स्वाइप बिटवीन फुल स्क्रीन ऐप्स, नोटिफिकेशन सेंटर, लॉन्चपैड एक्सेट्रा, ये सारे ट्रैकपैड जेस्चर्स सीख सकते हो। एप्पल ट्रैकपैड वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकपैड है, जिससे आपका ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। और डिस्प्ले में आप डिस्प्ले रेजोल्यूशन और ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, और इसी तरह डिस्प्ले रिलेटेड चेंजेस भी कर सकते हो। एनर्जी सेवर सेटिंग्स में अगर आपके पास डुअल ग्राफिक्स मैकबुक है, तो आप यहां से ऑटोमेटिक ग्राफिक स्विचिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, और एनर्जी सेवर रिलेटेड सेटिंग्स फॉर बैटरी एंड पावर एडेप्टर सेपरेटली सेट कर सकते हो। लास्टली डेट एंड टाइम से आप डेट और टाइम रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हो। अभी हम macOS का फाइंडर चेक कर लेते हैं, जो macOS का डिफॉल्ट फाइल मैनेजर है। सबसे पहले हम फाइंडर प्रेफरेंस में जाकर हार्ड डिस्क को टिक कर लेते हैं, जिससे हमें डेस्कटॉप पर बिल्ट इन हार्ड डिस्क का आइकॉन मिल जाएगा। हम डॉक पर फाइंडर को क्लिक करके फाइंडर विंडो ओपन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हार्ड डिस्क को डबल क्लिक करके भी फाइंडर विंडो ओपन कर सकते हैं। फाइंडर विंडो के लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाता है साइड बार, जिसमें हमें फेवरेट्स और टैक्स का ऑप्शन मिल जाता है। फाइंडर विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमें मिल जाता है तीन कलर्ड सर्कल्स, जिसमें ग्रीन सर्कल से हम विंडो को फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए हमें फिर से ग्रीन सर्कल को क्लिक करना है। येलो सर्कल से हम विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, जो डॉक पर चला जाता है, जहां से हम इसे वापस ला सकते हैं। और रेड सर्कल से आप विंडो को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस रेड सर्कल से क्लोज नहीं होते हैं। हम एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हम सफारी अब ओपन करेंगे, तो आप देखोगे कि मेन्यू बार में सफारी के मेन्यू मर्ज हो गए हैं, और रेड सर्कल क्लिक करने से बैकग्राउंड में अभी भी सफारी ऐप ओपन है, जैसे कि आप मेन्यू बार में देख सकते हो। तो इसे क्विट करने के लिए हम सफारी पर जाकर क्विट सफारी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिससे सफारी ऐप कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन क्लोज करना है। और हम फाइंडर विंडो को किसी भी कॉर्नर से रिसाइज कर सकते हैं इजीली, जैसे कि आप देख सकते हो। फाइंडर विंडो से आप macOS की फाइल्स को इजीली ब्राउज कर सकते हो। हमें लेफ्ट में एक साइड बार मिल जाता है, जहां पर हमें फेवरेट्स में एयरड्रॉप, रिसेंट्स, डेस्कटॉप्स एक्सेट्रा, इन सब के लोकेशंस के शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, और आप इसे इजीली कस्टमाइज भी कर सकते हो फाइंडर प्रेफरेंसेस में जाकर। हमें सेलेक्ट करना है साइड बार, और यहाँ से आप फेवरेट्स में शॉर्टकट्स को ऐड कर सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। हार्ड डिस्क पर डबल क्लिक करने से हम डायरेक्ट हार्ड डिस्क के रूट लोकेशन पर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें चार फोल्डर्स मिल जाते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशंस फोल्डर, जिसमें हमारे सारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मौजूद हैं। सेकेंड फोल्डर है लाइब्रेरी, जिसमें macOS रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। थर्ड फोल्डर है सिस्टम, जिसमें अगेन macOS रिलेटेड इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं। और आखिर में हमें मिल जाता है यूजर्स फोल्डर, जिसमें है एक्चुअल यूजर्स के होम फोल्डर्स, और होम फोल्डर्स के अंदर होता है एक्चुअल प्रीडिफाइंड फोल्डर्स लाइक डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स एक्सेट्रा। इनफैक्ट साइड बार में जो शॉर्टकट्स हैं वो इन्हीं लोकेशंस के हैं। अभी हम सीखेंगे न्यू फोल्डर क्रिएट करना और उसे रीनेम, कट कॉपी और पेस्ट करना। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको सेकेंडरी क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है न्यू फोल्डर। आप इसे ऑन द स्पॉट रीनेम कर सकते हो, या फिर सेकेंडरी क्लिक करके रीनेम ऑप्शन चूज कर सकते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। हम इसे रीनेम कर लेंगे डेमो।
इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रीअरेंज कर सकते हो या फिर सेकेंडरी क्लिक करके सॉर्ट बाय नेम से अल्फाबेटिकली रीअरेंज कर सकते हो। इस फोल्डर को डिलीट करने के लिए आप सेकेंडरी क्लिक करके मूव टू बिन ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर सकते हो, जिससे ये थ्रैश बिन में डंप हो जाएगा। थ्रैश बिन से आप इसे परमानेंटली एम्प्टी कर सकते हो या फिर सेकेंडरी क्लिक करके पुट बैक ऑप्शन से आप इसे रिकवर भी कर सकते हो, जिससे ये उसी लोकेशन पर आ जाएगा जहां से हमने इसे डिलीट किया था। कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको सेकेंडरी क्लिक से कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करना है और डिजायर्ड लोकेशन पर जाकर सेकेंडरी क्लिक से पेस्ट आइटम क्लिक करना है, जिससे ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्टेप था, लेकिन मैक ओएस में कट पेस्ट करना या मूव करना थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप नोटिस करोगे तो देखोगे सेकेंडरी क्लिक करने पर हमें कहीं पर भी कट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बट डोंट वरी, ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टेप है। आपको कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको जिस लोकेशन पर इसे मूव करना है वहां पर जाकर आपको सेकेंडरी क्लिक करना है और इसी दौरान आपको कीबोर्ड पर ऑप्शन बटन प्रेस करना है, जिससे आपको मूव का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कॉपीड आइटम यहाँ मूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का एक बेसिक ट्यूटोरियल वीडियो। हम मैक ओएस रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, जैसे कि टिप्स एंड ट्रिक्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और मस्ट हैव एप्स ऑन मैक सिस्टम्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आप कमेंट सेक्शन पर मैक ओएस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी होम एंड बी सेफ। टेक केयर, बाय बाय।